हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल कुक विद कॉर्डी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? दिवाली आने वाली है और दिवाली पे हर एक घर में जो खूब सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही खास रेसिपी। आज हम बनाएंगे सूजी और नारियल की बहुत ही डिलीशियस सी मिठाई। इसे बनाना बहुत आसान है, बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ये जूसी बनती है। तो इस फेस्टिव सीज़न पर आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, भारी तले का हमने बर्तन लेना है और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है देसी घी। जैसे घी थोड़ा गर्म हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे सूजी। तो 1 कटोरी से थोड़ी कम है ये सूजी। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिए। आप इसमें जो 1 कटोरी सूजी डाल लीजिए और इसको हम लो फ्लेम पर ऐसे भूनेंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखना कि सूजी नीचे नहीं लगनी चाहिए और 4-5 मिनट में ये अच्छी तरह से भून जाती है। हल्का सा इसका भूनने पर कलर चेंज होता है और साथ में बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि सूजी है जो वो अच्छी तरह से भून चुकी है। तो ये देखिए, मुझे 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं और सूजी है जो वो ये देखिए भून चुकी है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही डेसिकेटेड कोकोनट। जैसे हम 1 कटोरी अगर सूजी ले रहे हैं तो 1 कटोरी हम इसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। बहुत ही ईजिली मार्केट में ये मिल जाता है। इसको डालने के बाद हम इसको दोबारा से फिर 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी लो रखा और ये देखिए सूजी और नारियल हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ, इसका कलर है जो पहले से चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउनिश सा हो गया ये। तो अभी हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। इसके बाद मैंने दोबारा से फिर जो कढ़ाई ले ली है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। हमने 1 कटोरी सूजी लेनी है, 1 कटोरी हम उसमें डालेंगे नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट, और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी लिया है दूध, और ये मैंने आधी कटोरी लिए इसमें चीनी। मैं इस मिठाई में चीनी कम यूज़ कर रही हूँ, आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसमें है जो 3/4 कप या फिर ये पूरी 1 कटोरी है जो वो चीनी की डाल सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें डाल रही हूँ हरी जो छोटी इलायची उसका पाउडर, बहुत ही अच्छा इसको फ्लेवर देगा। आप चाहें तो इसमें थोड़े से केसर के धागे भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे हल्का सा मिठाई का जो कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको वाइट ही रखना चाहते हैं तो आप इसमें जो केसर ऐड ना करें। तो अभी ये देखिए, दोबारा हमने भुनी हुई सूजी और नारियल जो वो कढ़ाई में ले लिया और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल इस स्टेज पर लो रखना है, और जो हमारा चीनी वाला दूध था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ये देखिए, जैसे ही हल्का सा इसमें डालते हैं वो ऑब्जर्व हो जाता है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा दूध जो डालेंगे। तो ये जो मैंने 1 कटोरी दूध लिया था इसको हमने 3 बार कर थोड़ा थोड़ा इसमें डाला, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड किया। इसके बाद हम इसको लगातार चलाएंगे, इसमें कोई भी गांठे नहीं बननी चाहिए और गैस का फ्लेम ध्यान रखना है हमने लो रखना है। तो ये देखिए ऐसा इसका टेक्स्चर आ जाता है। थोड़ी देर हम इसको अभी अच्छी तरह से पका लेंगे और लगातार चलाते रहना, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे है जो तले पे लग जाएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर 1 पिंच के करीब, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए ऑरेंज रेड जो फूड कलर है वो मैंने इसमें डाला है और ऐसी इसकी शेड आई है। और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, तो इसीलिए हमने शुरू में इसमें चीनी कम डाली है, क्योंकि मिल्क पाउडर भी काफ़ी मीठा होता है, तो इससे मिठाई है जो वो मीठी हो जाती है। तो ये देखिए अभी एक डो फॉर्म में आ गया, ऐसे ये बन चुका है, ये देखिए। तो अभी हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसको किसी भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और अभी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे। हमने जो भी पेड़े या इसके रोल बनाने हैं, ध्यान ये रखना है कि ये जब हमने बनाने हैं तो हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हमने इसको ठंडा नहीं करना।
तो बनाने मिठाई बनाने से पहले हम हाथों पे ऐसे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, घी या ऑयल आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसके जैसे गोल पेड़े बना सकते हैं या रोल बना सकते हैं, जैसे हम टिक्की बनाते हैं वैसी शेप इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसके ऐसे छोटे छोटे रोल बना रही हूँ। इसके बाद हम इसको डेसिकेटेड कोकोनट में ऐसे कोट कर देंगे, इससे जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए एक हमने ये बना लिया जो इसका रोल है सूजी का। इसी तरह से हम बाकी सारी मिठाई भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने सारे रोल बना लिए हैं और अभी मैं आपको एक तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना बहुत ही यमी। तो ये बहुत ही जूसी बनता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस दिवाली पर आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।